दोस्तों ये हम मिट्टी से गौर बनाएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये रही हमारी मिट्टी, तो ये रेतीली मिट्टी है, चिकनी वाली मिट्टी नहीं। एक परोड़ की मिट्टी आती है, एक चिकनी की, ये है रेतीली मिट्टी। तो आगे देखिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक यूट्यूब माय चैनल। आप सभी का स्वागत है दीपिका गुप्ता ब्लॉग में। आप सब कैसे हो? आप सब लोग अच्छे हो, उम्मीद करते हैं हम भी अच्छे हैं। सभी को हरियाली तीर्थ की हार्दिक शुभकामनाएं, हमारी सभी बहनों को, और जो भैया के नाम से आईडी चला रहे हैं उनको भी हार्दिक तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं बना रही हूँ गौरा गौर, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिए। चैनल पर नए हो, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन के साथ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए पूजा के लिए हमारे यहाँ कैसे पूजा किया, सबके यहाँ अलग अलग तरीके तरह से पूजा होती है, तो देखिए हम कैसे पूजा करते हैं। हम पहले बनाएंगे गौरा गौर, तो प्लीज़ देखिएगा हमारे गौरा गौर कैसे बने हैं। चलिए दोस्तों देखिए, ये मिट्टी है, मतलब रेतीली वाली। एक परोड़ की मिट्टी आती है, एक आती है रेतीली, तो एक चिकनी वाली मिट्टी होती है जो कुमार के मिलती है। तो ये हमने गमले में से निकाल रखी थी अपनी मिट्टी, तो हम इसको गौरा गौर बनाएंगे शंकर पार्वती, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे बना नहीं आते। जैसे आते हैं मैं ज़रूर बनाऊंगी, आप लोग बताइएगा ज़रूर हमारे गौरा गौर कैसी बनी है। तो देखिए मैंने इनका मुंह और पेट बना दिया है, अब इनका दूसरा भी मैंने एक मुंह बना के रख दिया, पेट बना के रख दिया है। तो ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ही मिट्टी से हाथ और पैर दोनों बना देंगे, आँख बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, मतलब पूरा बॉडी बनाएंगे। फिर देखिए, क्योंकि रेड कपड़ा तो मुझे मिला नहीं, हस्बैंड ने लाके नहीं दिया, टेलर की दुकान से रात हो गई थी, मैंने लेट में बताया, वो डांट भी रहे कि दिन में कुछ नहीं बताती और रात में जो याद आता सब तो मैं रात में ही याद आता है। तो मैंने इस पर ब्लू कलर का ही कपड़ा ढक दिया, मेरे पास एक बिल्कुल नया कोरा रखा था पैंट का, तो उसमें से ही कटिंग करके मैंने नीला कपड़ा ढक दिया था। तो देखिए अब मेरी गौरा बन रही है, ये शंकर पार्वती जो भी बनेंगे बन जाएंगे। देखिए वीडियो तो एंड तक, लुढ़क गए मतलब गिर गए, मिट्टी हैं तो ये ना मिट्टी थोड़ी रेतीली है, थोड़ा मतलब लुचुक पुचुक हो रहे थे। इसी तरह से हम पूरे गौरा गौर बना देंगे। इन्हीं की हमारे यहाँ पूजा होती है, किसी के यहाँ गणेश जी की पूजा की जाती है, शंकर भगवान की, लेकिन हम मिट्टी के गौर बनाकर इनकी पूजा करते हैं। पूरा सामान निकालते हैं, मेकअप का, खाना पीना जो जो बनाते हैं सब निकालते हैं। इनकी आंखें बना रहे हैं दोनों की, बहुत छोटी छोटी मिट्टी, वैसे मैं कभी कभी सीख से ही बना देती हूँ, आज मैंने मिट्टी से बनाई है। अब मैं बना रही हूँ इनकी नाक, ये रही नाक बन गई, और ये मैंने पता नहीं क्या लगा दिया बना दिया जो भी बनाना था। संग देखिए गौरा मैया लुढ़की आ रही है, उनको भी मुझे सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी में वजन ज़्यादा हो गया था इसलिए वो पीछे के लिए लटक रही थी, तो इनको सही करूँगी। सही कर दिया मैंने इसको, मोबाइल भी देख रही थी, बना रही थी। अब इनकी मैं चोटी बना दूंगी, छोटी सी मेरी बन के गौरा रेडी हो चुकी है। देखिए गौरा मैया और शंकर जी एकदम रेडी हैं, और मैंने इनको पटली बिठा दी, कपड़ा उड़ा दिया, मैं नहा धोकर पहले ही रोटी हो चुकी थी, सब काम हो गया था, आटा वगैरह सब कुछ माड़ कर रेडी रख दिया, सब्जी बना कर रख दी थी, आँख छुट गई। तो मेरे पास ब्लू ही कपड़ा था, रेड कपड़ा नहीं था, ज़्यादातर मैं रेड ही उड़ाती हूँ। तो मैं ये बिंदी का पत्ता कल लेकर आई थी बिल्कुल कोरा, तो बिंदी लगा दी मैंने, और मैं लगाऊंगी इनके सिंदूर जो नया है एकदम कोरा था, नेल पॉलिश वगैरह जो जो मतलब लगाना होता है मैं सब कुछ रेडी करके लगाऊंगी। महावर की जगह मैं ये भी लगा सकती हूँ। अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ, तो मेरी ये कढ़ाई रखी हुई है, तो मेरी कढ़ाई का ऑयल हो चुका है, इसमें हम डालेंगे हींग, फिर मिर्ची और जीरा तोड़कर डालेंगे, फिर हम इसको मेथी को हल्दी डाल दिया हल्का सा, मेथी को चौंक दिया, मेथी जो हमने पहले ही उबाल कर रख दी थी, कसूरी मेथी आलू है, इसमें मिर्च और नमक अपने हिसाब से डालना चाहिए, क्योंकि किसी को मिर्च तीखा पसंद होता है, किसी को हल्का, तो हमारे यहाँ तीखा खाया जाता है, तो इसीलिए हम डबल मिर्च डालते हैं, तोड़ के भी डालते हैं, पीसी भी डालती है। एक साइड हमारा दूध खोला, कढ़ाई साफ करके मैंने इसको मतलब सब्जी को पोंछ कर इसमें ही ऑयल डाल दिया, इसमें ही हम सूखे आलू बनाएंगे। इसमें भी सारी देखो ऑयल भी गर्म हो गया, इसमें भी हम हींग और जीरा डालेंगे और फ्राई कर देंगे आलू को। एक तरफ हमारा दूध, दो बार तो मोबाइल बजा था मेरा गिरते गिरते, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी लगी रह गई, कस्तूरी मेथी कढ़ाई थी उसी में मैं कर रही हूँ, हींग डाल दिया, जीरा डाल दिया, इसी में मैंने आलू डाल दिए,
नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। कसूरी मेथी मैंने इसे डाल दी, खुशबू अच्छी आती है। इसमें मिर्च पाउडर, मिर्ची डाल दूँगी पिसा हुआ, जैसा आपको तीखा पसंद हो जिस तरह से। तो इसको भी मैंने भून लिया अच्छे से। इस फिर कढ़ाई में, इसी कढ़ाई में मैं मालपुए बनाऊँगी। किसी के यहाँ मालपुए बोले जाते हैं तो किसी के यहाँ क्या बोलते हैं, गुलगुले बोलते हैं, बहुत से लोग पुए बोलते हैं, और कुछ लोग एक चीज़ कुछ और बोला जाता है, वो मुझे नहीं याद आ रहा है। हम तो इसको पुए ही बोलते हैं, गुलगुले मालपुआ तो हम भूल जाते हैं हमेशा, हम इसको हमेशा पुए बोलते हैं। इधर कुकर रख दिया है, तो कुकर में भी जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, टमाटर डाल दी, हरी मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी, नमक मिर्च डालकर आलू डाल दिया, इसमें पानी डाल दिया फटाफट। इधर हमारी सूखे रसोई रसीले आलू की सब्ज़ी रेडी है बनकर। इधर हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है एकदम। देखिए मैंने पहले से ही पुए का बैटर एकदम रेडी करके रख लिया था, क्योंकि हैंड टू हैंड तो कुछ नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। सुबह 6 बजे उठी थी, तो इधर हमारे पुए बन, ऑयल गर्म हो चुका था, तो मैं ऑयल में डाल रही थी पुए की पकौड़ी बना बना कर। इस बार पहली बार मेरे जो पुए हैं सही बने हैं, वरना हमेशा टेढ़े बिच्चे हाथी घोड़े की तरह बनते हैं, जल भी जाते हैं, काले भी हो जाते हैं, लाल भी हो जाते हैं। तो पुए भी मेरे सिककर रेडी हैं, देखिए कितने अच्छे और छोटे छोटे बने हैं। वैसे हमेशा हमारे बड़े बड़े होते हैं, फैल जाते हैं, इस बार मैंने थोड़े अलग तरीके से बनाए थे। वैसे हमेशा मैं चीनी डालती हूँ आटा को घोल कर, चीनी बाद में डालती हूँ, इस बार मैंने चीनी को ही पानी में घोल कर आटे में डाला था, इसलिए पुए मेरे बहुत ही अच्छे बने हैं, स्वाद भी था खाने में और अंदर से भी सिक गए थे, क्योंकि मैंने थोड़ी हल्की गैस कर दी थी, इसीलिए थोड़े अच्छे ज़्यादा ही सिक गए थे। अब मैं इनको निकाल लूँगी क्योंकि ये सिक चुके हैं। ऐसे ही मैं सारे पुए सेक कर निपटा दूँगी। ये रहे निकाल दी, और ऑयल गर्म है, इसी में ही मैं पूड़ी निकाल दूँगी। पुए सिक गए, इधर मैंने पूड़ी बेल दी फटाफट, तो मैं पूड़ी भी सेक कर एकदम रेडी कर दूँगी, क्योंकि ऑयल गर्म है, उसी ऑयल में ही डाल दिया मैंने, पूड़ी सेक लिया। देखिए पूड़ी बेलकर रेडी रख ली थी मैंने। पूड़ी भी गुब्बारे की तरह फूल नहीं थी, कोई भी पिचक जाएंगी, कोई भी फूलेंगी, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म हो चुका था पहले ही, क्योंकि इसमें पूड़ी सेके थे ना, तो ऑयल तो अच्छा सा गर्म था, तो मुझे पूड़ी निकालने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, वरना मुझे दोबारा ऑयल गर्म करना पड़ता। इसी तरह हम सारी पूड़ी और कचौड़ियाँ बना लेंगे। देखिए पूड़ी कोई भी फूली, कोई भी नहीं फूली, क्योंकि इनको टाइम हो गया था बेल कर रखे हुए, इसीलिए कोई भी पूड़ी फूली, कोई कोई नहीं फूली। अब मैं पूजा करने बैठ गई हूँ, तो मेरे हस्बैंड मेरी वीडियो बना रहे थे, उनको अच्छे से बनानी नहीं आती, उनको जैसी बनानी आई उन्होंने वैसी बना ली, और पानी जल ले जाना भूल गई, तो फिर मैंने उठकर दोबारा जल लिया, तो फिर मैंने दीपक जलाया, दीपक जला कर भगवान जी की पूजा की। जो हम मतलब खाना निकालते हैं, जितनी भी पूड़ी कचौड़ी सब कुछ जो जो बनाते हैं सब कुछ निकालते हैं, फिर हम इनका भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। घेवर रखना भूल गई, तो हमारे यहाँ घेवर भी रखा जाता है, किसी की मिठाई रखी जाती है तो हम घेवर भी रखे थे, अभी अभी निकाला गई है, निकालेंगे। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। और इधर हम घेवर निकालना है, आधा निकालेंगे कि घेवर बड़ा होता है। और इधर मेकअप का सामान भी रख दिया था सारा, खाना इसी में से तोड़ कर, इसी में से मैं सब कुछ तोड़ूंगी, सब कुछ जितनी पूड़ी कचौड़ी होंगी सब में से थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ लूँगी। और मेकअप का भी सामान है, मेकअप का सामान मैं दीदी को दे देती हूँ, या ताई जी आती हैं उनको दे देती हूँ, खाना जो है वो पंडित जी को पहुँचवा देती हूँ मंदिर में, मतलब
पास में एक आंटी हैं पंडित, उनके यहाँ बैठा पहुँचा देती हूँ दीदी के यहाँ। कोई भी त्यौहार होता है, कुछ भी होता है, तो हम उनके यहाँ ही पहुँचा देते हैं। ताई तो आ नहीं पाती हैं, हमारी सासू माँ नहीं आ पाती हैं, इसीलिए मैंने भोग लगा दिया इनका। अब मैं जल चढ़ाऊंगी, पहले आरती करूंगी, उसके बाद जल चढ़ाऊंगी। और हमने गणेश जी की आरती की है, गणेश जी की आरती तो सुना इसलिए नहीं देगी क्योंकि इसमें बीच में हमारे हस्बैंड भी बोले थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मुझे खुद नहीं पता, इसलिए मुझे आवाज़ भी म्यूट करनी पड़ी। आरती हो गई है हमारी, तो धूपबत्ती को मैंने मंदिर में लगा दिया था। यही मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है, जैसा भी है आप लोगों के सामने है। मैं कोई फॉर्मेलिटी कोई दिखावा नहीं करती, जो हूँ सब सामने है। अब मैं इसको जल चढ़ाऊँगी, और जो बाइना है उसको भी मतलब जल से ही चढ़ा कर इसको पंडित जी के यहाँ पहुँचवा दूँगी। फ्रेंड देखिए मेरा साड़ी का लुक, बताइएगा कैसी है, क्योंकि पिछले तीजे पे मैंने ये पहनी, मैं सूट लेकर आई पहनी नहीं, हस्बैंड बोले साड़ी में पूजा करो, तो मेरा लुक जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मेरे हस्बैंड भी मेरी वीडियो बना रहे थे, तो देखिए मेरी साड़ी कैसी है आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट करके। देखिए मेरा पूजा पाठ वगैरह हो चुका है, अब हम खाना खाएंगे, तो मैंने अपनी थाली लगा ली। देखिए मेरी थाली में रायता है, सब्जी है, सूखे आलू हैं, मेथी है, एक पुआड़ा का, क्योंकि मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, और मैंने दो पूड़ी दो कचौड़ी रखी हैं। इतना सा ही खाना है, बस शाम तक पूरा चलेगा। और मेहंदी भी बहुत ही अच्छी रची है, और मेरी चूड़ियाँ देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, और मेरा सो लुकिंग बताइएगा मेरा लुकिंग भी कैसा लगा। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो तक एंड तक रुकने के लिए थैंक यू। और जो चैनल पर नए हो, पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन के साथ सबसे पहले पास आपके पास पहुँचे, ऐसे ही आपके लिए वीडियो और ब्लॉगिंग लाते रहेंगे। और मैंने पूजा करने का सबसे पहले कपड़े चेंज किए, क्योंकि मुझे ये सब मतलब साड़ी पहनकर खाना वगैरह नहीं खा मिलता है, ना मुझे कोई काम कर मिलता है, फिर मुझे कपड़े पहनने का साड़ी पहनने का बिल्कुल काम नहीं कर मिलता, इसलिए सबसे पहले मैंने पूजा करी, खाना पैक किया हस्बैंड का, उनको खिलाया, वो चले गए। उसके बाद मैं सबसे पहले साड़ी चेंज की, साड़ी कपड़े बदले, अपने जो डेली यूज़ के कपड़े हैं वो मैंने पहन लिए, डेली यूज़ वाले जो मैं पहनती हूँ, आप लोगों को पता ही मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ। अपनी लगा ली थाली, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। Thank you.